नमस्कार, आप देख रहे हैं dilalantop.com और ललनटॉप की चुनाव यात्रा फिलहाल छिंदवाड़ा में है। टीम हीरा सौसर आई हुई है और सौसर आने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पे हैंडलूम का काम होता है और ये काम हैंडलूम का वही है जिसे आपने मार्केट में चंदेरी साड़ी या महेश्वरी साड़ी के नाम से ख़रीदा है, लेकिन उसका काफ़ी काम सौसर में भी होता है। और फिलहाल आप जो चीज़ होते हुए देख रहे हैं उसे कहते हैं यहाँ की भाषा में कांडे भरना। तो ये साड़ियाँ कैसे बनती हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है और जो लोग इससे धंधे से जुड़े हुए हैं हैंडलूम की, उनकी क्या समस्याएं, वो सब बात करने के लिए हमारे पास कबीर बुनकर सोसाइटी से आप हैं। सर, अपना नाम? गौरी शंकर हेड़ा। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या चल रहा है अभी, ये जो कर रहे हैं उससे क्या होता है? सर, ये कांडी भर रहे हैं अभी अंकल, तो इससे हम उसमें जो साड़ी बनाएंगे तो उसी में इसको मतलब वो कटला होता है, कटले में उसको लम लगा के उससे धागा निकलेगा, उससे वो साड़ी बनती रहेगी। अच्छा, ये शटल के अंदर जाता है? ठीक है, और ये शटल वगैरह क्या होता है, ये सब अंदर है? कितने लोग कर रहे हैं फिलहाल ये काम? सर, यहाँ पे प्रॉपर सौसर में तो सर ये 500 से 600 लोग हैं। 500 से 600 लोग? ठीक है। और ये लूम वाला एरिया है जहाँ पे सारी लूम्स लगी हुई हैं? अच्छा, अभी जो ऑर्डर बन रहा है यहाँ पे वो कौन से साड़ियों का है? सर, यहाँ पे तो मतलब वो पार्टी के हिसाब से होता है, जैसे ऑर्डर वो है अभी जो सॉलिड पट्टा बोलेंगे जिसको हम। अच्छा, और वो कलर है वो है रेड वाला। अच्छा, तो इनका मतलब ऑर्डर है अभी यहाँ पे। अच्छा, ये इन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और ये पैटर्न के हिसाब से कौन सी साड़ियाँ है ये लोग, ये सारी? अच्छा, ये रॉ सिल्क है, रेशम बाय कॉटन, जिसमें डॉबी वगैरह काम किया जाता है जाले का। अच्छा, उस पर हो रहा है। तो एक बार जब अपन वो जो बाहर अपने देखा वो शटल भर लेते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद सर यहाँ पे वो लगाया जाता है, उससे इस पर लगता है सर, जो कांडी अपन ने वहाँ बाहर देखे उसी को इस पर चढ़ाया लगाया जाता है। उसमें लगाने के बाद इसको बंद करके फिर इससे शटल से मतलब इसमें फिर कपड़ा बुना जाता है। अच्छा जी, और ये शटल चलता कैसे है वो हम कहीं भी देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इधर लाइट। अच्छा सर, ये देखिए सर, वो जैसे पैडल है सर नीचे, तो उससे मतलब वो सर पैर से वजन करने पर ये सर इसका जाला खुल रहा है, उसी से हम मतलब ये फिर हाथ से काम करके इसको शटल को हम इधर से उधर कर सकते हैं, जिससे हम कपड़ा बुनना है बताए। ये जो लूम है लकड़ी का पूरा, ये मतलब किसने बनाया था? नहीं सर, किसने बना ये तो पता नहीं सर, हमारे पूर्वजों के जो है वो अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, बस इसको हम अभी कुछ मिस्त्री से हम इसकी मरम्मत करवा के कर रहे हैं। अच्छा, फिर भी कितनी पुरानी ये विधि है जिससे लूम बनाया जाता है, पुरानी याद में जितना? तो सर मेरे हिसाब से शायद 40-50 साल हो गए होंगे। अच्छा, और 40-50 साल पुराने इस लूम को अब लगातार मेंटेन किया जा रहा है और ये अभी भी काम कर रहा है? जैसे कुछ ख़राब हो गया तो उसको हम सही करके उसको हम काम पर ले रहे हैं। और एक साड़ी में जो यहाँ बन रही होती है उसमें कितने धागे लगते हैं एक बार में? सर, एक साड़ी में करीब 4200 धागे लग जाते हैं। हाँ, प्लेन में, और जो डिज़ाइन वाला हो बॉर्डर का उसको अलग से एक्स्ट्रा वर्क में काम किया जाता है। अच्छा, और ये धागे कौन कौन से होते हैं? सर, इसमें होता है कॉटन, जेरी और रेशम रॉ सिल्क जिसको हम बोलेंगे। अच्छा जी, तो और जो साड़ी में बीच में कभी कभी अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन बनी है बूटे वगैरह, वो कैसे बनाते हैं? ये जाला जो बना हुआ है लूम पे, इससे हम बूटे का काम करते हैं, जैसे जहाँ पे जितनी दूरी में डालना हो उतनी दूरी में हम डाल के और तो साड़ी को कम्प्लीट करते हैं। और पल्ले में भी जाला जैसे बांधना हो तो जो भैया का लूम पे लगा हुआ है आप जो वहाँ चल के देखते हैं। इससे हम बूटी का भी काम करते हैं और पल्ले में जाला का भी काम करते हैं। ये जो इस पर हम बूटी का भी काम करेंगे और जाले का भी, ये जाले का पूरा काम होता है उसका। अच्छा, और ये फिर ऐसे? हाँ, ये बस भैया अभी जो डालेंगे अभी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। इसके लिए भी मतलब इसके पुराने लोग होते ग्राफ पे जो करके हम इस पर इसकी छटाई करते हैं। अच्छा, तो ये पहले ग्राफ पे आप लोग बनाते हैं फिर? और ये जो ऊपर लगा है ये सर ये डॉबी के लिए है, जैसे जो साड़ी के आप देख रहे हैं ना ये एक्स्ट्रा जो बॉर्डर बना हुआ है ये इसके लिए डॉबी का काम करता है। जैसे इस पर हम ग्राफ बना के इस पर हम ठोक देते हैं तो उसी से बॉर्डर ये जैसे घूमते रहेगा, ये उस टाइम वो हिसाब से इसमें बॉर्डर आती रहेगी। अच्छा, और जैसे ये उठेगा नीचे ऊपर होता है, जिसको जो उठना है वो उठ जाएगा, तो इससे वो बॉर्डर आ जाती है इसको।
और एक साड़ी बनने में कितने दिन लगते हैं कारीगर को? सर वो क्वालिटी देख के होता है कि एक साड़ी मतलब उनके लूम पे क्या क्वालिटी है। एक दिन की एक साड़ी बन जाती है, और जैसे भैया अभी कर रहे थे कम से कम इनको 5 दिन लगेंगे एक साड़ी बनाने में। अच्छा हाँ, इनका हाँ इनका इनका हेवी काम है, इनके काम पे बूटी का भी काम हो रहा है और जाले का भी काम होगा, तो एक साड़ी में 5 दिन लगेगा। तो 5 दिन लगेंगे इस साड़ी को बनाने में, और उसमें मतलब पूरा धागे बांधने से लेकर के शटल भरना सब आ गया? हाँ हाँ सर, उसमें सब आ गया, लेकिन जैसे एक जो वार्प चढ़ता है तो उसमें करीब 15 साड़ी बनती है। अच्छा। तो उसको एक ही बार चढ़ाना पड़ता है, 15 साड़ी बन जाता है। अच्छा, मतलब ये इस एक पैटर्न पर एक ये जब पूरा होगा तब 15 साड़ी तैयार है? 15 साड़ी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें 15 साड़ी का काम लगाया जाता है। अच्छा अच्छा, और लास्ट साड़ी है सर, इसके बाद दूसरा वार्प लगेगा तो वही 15 साड़ी बनेगी। अच्छा, एक जैसे 15, और उसमें ब्लाउज पीस भी आता है? हाँ सब आता है, तो लंबाई इनकी लेंथ होती है 6-30। अच्छा। साड़ी की 5.5 की साड़ी होती है, 80 का ब्लाउज होता है। अच्छा, ये दोनों मतलब एक साथ लग जाता है और फिर रेडी हो जाता। अच्छा, कुछ यहाँ पे कुछ मशीनें यहाँ पे ऊपर लगी हैं और कुछ ऐसे नीचे लगी हैं, उसका कोई खास कारण है क्या? खास कारण ये नहीं है, बाकी ये जो हमारे जो पूर्वज थे जो पहले चलते थे हमारे, तो इसको ये पीट लूम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पीट लूम बोलेंगे जो गड्ढे में गड़ा हुआ है। अच्छा। और इसको हम बोलेंगे फ्रेम लूम। अच्छा। आज के थोड़ी सी कंडीशन इसलिए फ्रेम लूम का ज़्यादा उपयोग होता है कि इसकी थोड़ी सुविधा अच्छी होती है, जैसे हम इसको नीचे से साफ सफाई भी कर सकते हैं, मच्छर ना काटे। और जैसे आजकल ज़माना वो हो गया कि पहले फ्लोरिंग नहीं थी, पहले मिट्टी का था तो नीचे, आज फ्लोरिंग हो गई, लोगों के यहाँ टाइल्स लग रही है, तो हिसाब से ये लूम सही है। और ये थोड़ा आसान भी होगा मेरे ख्याल मेंटेन करना? मेंटेन करना भी, और जैसे इसको बंद करना तुरंत 2 घंटे में खुल के तैयार हो जाएगा, और इसको खड़ा करना तो 1 दिन में चालू हो जाएगा। अच्छा। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है सर, 15 दिन। और उसका कारीगर भी अब लगभग ख़त्म होने की कंडीशन। तो जो लकड़ी आगे पीछे हो रही है जिससे पूरा फ्रेम बना, ये काय की रहती है? कौन सी लकड़ी है ये? ये सागवान है। ऐसा कोई खास कारण अपना ये सागवान की लकड़ी लगाने का? नहीं सर, यहाँ खास कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सागवान की ही बनती है, क्योंकि उसमें बनाने में थोड़ा सा मिस्त्री को शायद आसान होती होगी, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, तो चिकनापन होना चाहिए उसका। सागवान क्या नाम, बहुत लंबे समय तक चलता भी है, जल्दी ख़राब भी नहीं। ये क्या है, बड़ा सा जाल? वार्पिंग मशीन है, इसमें वार्पिंग किया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ। अभी वो लड़का कॉलेज गया है, वो 1 बजे आएगा फिर काम करेगा। मतलब वार्प करना माने, जैसे वार्प तो अंग्रेजी का शब्द हो गया, हो क्या रहा है? ताना करना। अच्छा, जैसे हम जैसे ताना और बाना बोला, तो ये ताना बन रहा है। देखिए ये वार्प करना होगा, ये कॉटन का है सर, 100% कॉटन है ये। इस पर कॉटन का काम होता है, ऊपर नीचे भी करना पड़ता है? हाँ ये नहीं सर, ये तो ऑटोमेटिक होगा, जैसे नीचे गियर है। अच्छा। तो गियर से बिल्कुल ये नीचे ऊपर होगा, नीचे ऊपर होगा तभी तो ये सब पूरा सिस्टम आएगा। अच्छा। तभी मान लो कि बीच में एक हाथ तार टूट भी गया तो इसी से मतलब पूरा फाका से निकल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी जोड़ने में। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, ये सब कर रहे हैं। हाँ सर, ये भी वैसे ही भरना पड़ता है। हाँ, एक मतलब बहुत मेहनत है इसमें। मतलब इसमें कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें अपन देख रहे हैं, इसमें कोई बिजली से नहीं चल रहा है, ये सब हाथ से? सब हाथ से हो रहा है, सब हाथ से होगा। ये इसी में 15 साड़ी के लिए वो हो जाता है? नहीं सर, इसके ऊपर ये हो गया, जैसे ये हो गया अपने, ये 9 साड़ी बनेगी इस पर। अच्छा। जैसे अच्छा, 1 मीटर है ना सर, 1 मीटर का आएगा। अच्छा, हाँ तो वो हिसाब से हो जाएगा। अच्छा। धागे के ऊपर होता सर कि धागा अपने पास कितना है, वो हिसाब से उसकी लंबाई लेंथ करते हैं। उधर अच्छा, क्या उधर क्या है? उधर है ना, ये मतलब रेशम का काम है। अच्छा, ये रेशम का है। अच्छा, और ये उनको वज़न दे करके? हाँ, वज़न दे करके, क्योंकि ये वज़न देना बहुत ज़रूरी है सर, कपड़ा बनाने के लिए खींचा जो होना। ये पुली, आर्किमिडीज, ये सब जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा नहीं था कि इतने पहले से भी लोग ये कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मशीन से काम हो रहा है? क्योंकि सर ये इसलिए मशीन से काम करना पड़ा सर, एक लटी भरने में, जैसे आप देख रहे हो ना, एक लटी भरने में इसको कम से कम 1 दिन के ऊपर लगेगा सर। अच्छा। हाँ, और इसमें मशीन पे भी सर 1 दिन लग रहा है, 1 दिन लग ही जाता है, करीब 8 घंटा लगता है एक लटी ख़त्म होने में। अच्छा। और इसको 30 लटी करना है, क्योंकि अब इसका मतलब ये सब जगह काम होता है मशीन पे, पर मशीन के ये काम होने के बाद फिर पूरा इधर हाथ का ही काम है, सिर्फ इसकी भराई भर मशीन में होती है। अच्छा, ये तो खड़े हैं सर, वार्पिंग हो रहा है इसमें, तो इसी में सर 15 साड़ी का बनेगा। अच्छा। तो इसी को फिर ये जब
ये मशीन अभी नई बना, ये आप लोगों ने ही बना लिया या फिर ये तो बाहर से लाया? बाहर से बुलाया सर, मैंने बनारस से लाया था। बनारस जी। तो ये पुराना और नया? हाँ सर, ये तो कुछ यहाँ भी आगे ये जरी का काम हो रहा सर इसमें। अच्छा, जरी का वॉप अलग चलता है? हाँ, वो अलग चल रहा है। यहाँ वॉपिंग का काम अभी चल भी रहा है? इसे जरी का काम हो रहा है सर। ये जरी सर सूरत से आती है। हाँ, वो रेडी बन, मतलब रेडी बन के आती है, उधर से पैकिंग होती है, तो उस पर ये जरी का काम हो रहा है। तो ये जरी मतलब जैसे ये एक्स्ट्रा वार्प में लगेगा सर बॉर्डर में। अच्छा, ये एक्स्ट्रा वार्प में लगेगा बॉर्डर में। और ये जो है आपने देखा वहाँ पे साड़ी बन रही है, तो ये जाएगा डायरेक्ट ताने में, मतलब साड़ी में जो बनेगा वार्प। अच्छा, जो सीधा सीधा चलता है? हाँ, सीधा सीधा चलता है। और जो आड़ा आड़ा आता है वो तो शटल से? वो शटल से, हाँ वो हाथ से करना पड़ेगा। और इसके ऊपर सर ये डाइंग करना पड़ता है, फिर जो अभी अपने कलर चाहिए इसके ऊपर डाइंग करना पड़ता है। अच्छा, तो वो डाइंग भी आप लोग करते हैं? हम ही कर लेते हैं। आगे देखते हैं। और तो ये सारा सेटअप अभी कौन देख रहा है? कौन देख रहा है सर इसको? हाँ, मतलब मेरे अंडर में सब। और कौन सा समाज ज़्यादातर जुड़ा है इस काम से? सर हमारा समाज जुड़ा हुआ है, कोष्टी समाज लगभग। और पहले मतलब जब आप बता रहे थे कि अपनी पहले बात चल रही थी कि पहले और समाज के लोग भी करते थे? हाँ सर, पहले। उन्होंने क्यों बंद कर दिया ये? सर पहले क्या था, गवर्नमेंट का चल रहा था सर, जनता साड़ी वगैरह कॉटन का बनते थे, तो तभी बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे 2000 लूम चलते थे। हम बताते हैं बुजुर्ग अपने को, तो हमने देखा नहीं। अच्छा, अभी 200 चल रहे हैं? नहीं कर सर, अभी करीब 500-600 लोग हैं। 500 लूम और तब 2000? तब 2000 थे। तो बाकी लोग क्या है सर, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पहले जनता साड़ी चलती थी वो बंद कर दिया। क्या थी जनता साड़ी, क्या रहती थी? जनता साड़ी प्योर कॉटन की होती थी, और उसमें पहले मजदूरी भी अच्छी खासी मिली थी उस टाइम पे, जब आज से करीब 96-97 की बात है सर। मैंने खुद ने किया, 2-4 साल किया था, मैं छोटा था सर, तो वो तब से बंद हुई है। तो बीच में बंद होने के कारण समाज के सब इधर उधर हो गया, कुछ लोग दूसरे काम में लग गए, और जिन्होंने पकड़ के रखा थोड़ा बहुत कहीं से भी इधर उधर जुगाड़ करके, तो अभी चल रहा है। अच्छा, एक चीज़, अब ये हमने सारा जान लिया कि काम कैसा होता है, दिक्कत क्या क्या है अभी यहाँ पे काम में? सर दिक्कत तो है यहाँ पे, क्योंकि सर मेन है मार्केटिंग, और थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिल जाए, जैसे हमारे पास बहुत पुराने औजार हैं, तो जैसे हमने पिछले बार अप्लाई वगैरह भी किए थे वहाँ पे हैंडलूम ऑफिस में लूम के लिए, तो उन्होंने अभी तक हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं किया कि भैया चलो कुछ दान, मतलब अनुदान में कुछ औजार वगैरह दिया जाए, नहीं अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, स्किल इंडिया की बातें चलती, लेकिन इनके एप्लीकेशन 80 लोगों का एप्लीकेशन सैंक्शन भी हुआ था सर, पर तो पता नहीं कहाँ फाइल रखी है, क्या हुआ है। कहाँ का ऑफिस था ये लूम? हस्तशिल्प सर, भोपाल में? नहीं सर, अपने यहाँ है ना, सौसर में है सर। अच्छा, सौसर में हस्तशिल्प को लेकर के पहले से ऑफिसेस खुले हुए हैं, लेकिन अच्छा यहाँ के यहाँ हैंडलूम ऑफिस भी है और उन लोगों ने सुनवाई नहीं की? अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है सर। अच्छा, तो इसीलिए हम मेन समस्या औजारों की है, दूसरी समस्या मार्केटिंग, तो हम तो तलाश में है सर के मार्केटिंग हम कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। और ये धीरे धीरे आप बता रहे थे कि पहले जिन साड़ियों को माहेश्वरी चंदेरी बोल रहे थे यहाँ पे होने वाले काम, अब धीरे धीरे आप सौसर के नाम से? जी सर, हम तो चाह रहे हैं कि सौसर का नाम भी कुछ हो। अच्छा, उसके सौसर के हिसाब से भी ब्रांडिंग चलती। और कोई समस्या जो नए कानून नए वगैरह GST वगैरह आया है उससे कोई, या उससे काम आपका आसान हुआ हो या मुश्किल हो? GST से आसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि हालांकि कोई परेशानी तो कोई है ही नहीं सर, लेकिन मार्केटिंग में थोड़ी सी बहुत समस्या आ गई थी, जिससे मतलब माल उठाव नहीं हुआ, मार्केटिंग थोड़ा सा डीम हो गया, एकदम ख़त्म जैसा हो गया था। कुछ सीजन में हो जाता सर कभी, जैसे अभी इस साल दिवाली में थोड़ा सा उड़ गया। अच्छा, बाकी तो पूरा अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। और बाहर कहाँ कहाँ तक साड़ियाँ जा रही है अपनी? सर अपने तो जा रही है रायपुर जा रही है, इंदौर और कलकत्ता को जा रहे हैं अपन। अभी कलकत्ता से अभी बात हुई है, एक महीना पहले एक डीलिंग हुई उनसे हमारे पास, अब स्टार्ट कर रहे हैं सर, थोड़ा घूमना फिरना चल रहा है। अच्छा, तो ये इसीलिए तो एक समय पे जब 2000 लूम चलती थी उसके बाद से फिर बर्बादी रही, और धीरे धीरे काम लुप्त होने की कगार पे था, लेकिन अब आप लोग रिवाइव कर रहे हैं इसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एक और जगह छिंदवाड़ा में जो छुपी हुई थी, जिसका अपनी पहचान थी अपने काम से, और बदलते वक्त के साथ में वो भी पीछे छूट रही थी, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सौसर का हैंडलूम है। मनोज के साथ सौसर से मैं हूं निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।